निकाय चुनाव की अधिसूचना आगे बढ़ने के हैं आसार। हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ 48 से ज्यादा दाखिले, याचिका 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी सभी की निकाय। स्वीडन से मिला यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। रिटेल स्टोर्स, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश को कंपनियां तैयार। वेस्ट प्रोडक्ट से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित करने पर भी हुई बात। यूपी में विदेश निवेश को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा, लिखा कि दिखावटी निवेश से यूपी का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के सांसद निधि के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की मांग। डीएम ने पत्र लेकर की एसीएस हेल्थ से विभागीय कार्रवाई की मांग। पूर्व सीएमओ सहित 8 स्वास्थ्य अधिकारियों पर आरोप। तमिल संगमम के समापन समारोह। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, तमिलनाडु के राज्यपाल लारेन रवि, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। 431 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के खाते में एक महीने में आए 8 लाख रुपए, दूसरे शहरों में 10 बार डाली गई रकम। हवाला नेटवर्क को लेकर हो रही है छानबीन। प्रयागराज में सपा विधायक पूजा पाल ने एनबीडब्ल्यू कराया रिकॉल, अब 5 जनवरी 2023 को कोर्ट में पेश होकर देंगी गवाही। गैंगस्टर मामले में माफिया अति के खिलाफ गवाह है पूजा पाल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, तीसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। बदमाशों से 3 तमंचे, कारतूस, खोखा कार बरामद। भदोही में पुलिस मुठभेड़ में रेप हत्या का आरोपी अरेस्ट। आरोपी ने 8 साल के मासूम के साथ किया था रेप, रेप के बाद आरोपी नींबू लाल ने कर दी थी हत्या। एम्बुलेंस की खरीद में करोड़ों के खेल का खुलासा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खरीदी गई एम्बुलेंस में 15 करोड़ का घोटाला। हर एम्बुलेंस में करीब 50,000 कीमत के हटाए गए थे फीचर। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के लिए युवक का अपहरण, कुत्ता ना देने पर युवक को किया गया अगवा। बदमाशों का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सभी कमिश्नरेट के लिए नई व्यवस्था लागू, अब नए पुलिस कमिश्नरेट के साथ तमाम कमिश्नरेट एडीजी कानून व्यवस्था को रिपोर्ट करेंगे, पहले डीजीपी की होती थी रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला। टक्कर मारते वैन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, महिला को टक्कर मार निकल गई स्कूल वैन। कानपुर के एक पार्क में महिला ने जीआरपी सिपाही से बदसलूकी की, कपड़े फाड़ने का वीडियो वायरल हुआ। महिला ने सिपाही पर 4 शादियां करने का आरोप लगाया, खुद को सिपाही की पत्नी बताया। फतेहपुर के हरिहरगंज चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के आरोपी और फरार दंपति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुनादी कराकर संपत्ति कुर्की का नोटिस, चस्पा, हाजिर न होने पर कुर्की की दी गई चेतावनी। अयोध्या में कर्नाटक सरकार के मंत्री ने रामलीला को समर्पित किया 2 किलो की चांदी की ईंट। राम मंदिर निर्माण कार्य की तारीफ की। ताज नगरी की लाइफ लाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर 2 लावा ने संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, दोनों बैग से मिले सिर्फ कपड़े। कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, 3 मजदूरों की हालत गंभीर। साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा हुआ। संबल सीएचसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी का ग्रामीण से रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेडिकल जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मी ने ग्रामीण से मांगी थी 5,000 की रिश्वत। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और हवाई फायरिंग, मामूली कहासुनी को लेकर बढ़ा आपस में विवाद। झांसी में ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने की कोशिश, जादूगर की मदद से किया जा रहा जागरूक। अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर में ठंड के कारण एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज में विजय दिवस की धूम, भूतपूर्व सैनिकों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तवांग में हुई घटना को लेकर पूर्व सैनिकों ने चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। बागपत में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा 7 साल का बच्चा गायब हो गया, अपहरण की आशंका के चलते पुलिस तलाश में जुटी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं,
आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।